हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ एक और रेमेडी जिसके आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। हमारे किचन में यूज़ होने वाले सिर्फ चार चीज़ों से आप ग्लोइंग एंड फेयर स्किन पा सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए गाइस, मैंने एक टेबल स्पून बेसन ले लिया है और चुटकी भर आप इसमें हल्दी डालेंगे और अपने पेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें आप मिल्क ऐड कर लेंगे। आप जानते हैं गाइस, हल्दी जो है वो एंटी बैक्टीरियल होती है। आप इसमें 5 से 6 बूंद लेमन जूस की ऐड करेंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। तो गाइस, मैंने अपना फेस क्लीन कर लिया है। गाइस, अगर पैक की बात करें तो जो इसमें बेसन यूज़ हुआ है वो एक अच्छे स्क्रब का काम करता है, हमारे अनचाहे बालों को भी रिमूव करता है, सन टैन जो होती है उसको भी रिमूव करता है, और जो लेमन जूस होता है वो टैन रिमूवल होता ही है और हमारी स्किन टोन को भी लाइट बनाता है, और मिल्क हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। आप इसमें हनी भी ऐड कर सकते हैं, बट मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने इसमें हनी नहीं डाला है। तो आप इसमें हनी ऐड कर सकते हैं, और लेमन जूस कई लोगों की स्किन को सूट नहीं करता तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। सो गाइज, मैं अप्लाई करके दिखाती हूँ इसे। तो गाइस, पैक लग चुका है। एक बात और बता देना चाहूँगी गाइस कि कोई भी पैक लगाने के बाद आपने ना तो हंसना है और ना स्माइल करनी है, इससे आपके स्किन पे रिंकल्स पड़ सकते हैं। सो गाइस, आप इसे 15 मिनट के लिए रहने दें, और गाइस मैं तो ये कहूँगी कि आप ये हफ्ते में 2 या 3 बार आप इसे अप्लाई करें, और ज़्यादा पॉसिबल ना हो तो आप संडे टू संडे इसे अप्लाई कीजिए, तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। गाइज, मैं तो आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ लेकिन आपने पैक लगाने के बाद बातें नहीं करनी है। गाइज, मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, आप देख सकते हैं रिजल्ट। गाइज, आप इसके बाद अपना टोनर ज़रूर लगाइएगा। मैं अपना टोनर लगा चुकी हूँ, अब मैं अपना सीरम लगा रही हूँ। आप भी गाइज सीरम ज़रूर लगाइएगा जिससे हमारी स्किन बिल्कुल सॉफ्ट और शाइनी हो जाएगी, आप देख सकते हैं गाइस। सो गाइस, ये थी मेरी वीडियो। आपको मेरी रेमेडी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।